और अभी आपको बताएं कि रेपुटेज एम्पायर प्रॉपर्टीज़ की जानिब से पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी तरक्की और खुशहाली की तरफ एक नया कदम। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के कारोबार में रेपुटेज एम्पायर प्रॉपर्टीज़ की एंट्री। रेपुटेज एम्पायर पाकिस्तान में कौन से मंसूबों पर काम करने जा रही है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के कारोबार में आलमी शोहरत याफ्ता रेपुटेज एम्पायर प्रॉपर्टीज की शानदार एंट्री। रेपुटेज एम्पायर प्रॉपर्टीज 15 ममालिक में 50 से ज्यादा कामयाब मंसूबों के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अपनी रवायात के मुताबिक काम करेगी। एमडी रेपुटेज एम्पायर प्रॉपर्टीज एंड्रिया नोसरा का कहना है कि मुनासिब कीमत में स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबे का क्याम अमल में लाया जाएगा। We are almost near to the full operation, but because tonight will be announced a good joint venture with a good partner, good friends, let me say like this. To be honest, you know. CEO आसिम इफ्तखार का कहना है कि माकूल कीमत पर उम्दा प्रोजेक्ट्स फ्राहम करेंगे, लोग अपने घरों में रहते हुए घर की कीमत अदा करेंगे। हम रेपुटाज ग्रुप के प्लेटफॉर्म से लोगों को बहुत ही अफोर्डेबल पेमेंट प्लान्स देंगे और पाकिस्तान में पहली दफ़ा पोस्ट हैंडओवर प्लान्स हम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं और जिनका जो डाउन पेमेंट है वो भी बहुत ही रीजनेबल होगी, बहुत ही कम होगी, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अफोर्ड कर सकें। और पाकिस्तान में जो हम प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट और झेलम, इनसे हम इन शहरों से जो है हम स्टार्ट करेंगे। तकरीब में राजा फैसल इफ्तखार, जरून मसूद समेत पाकिस्तान भर के प्रॉपर्टी टाइकॉन्स ने शिरकत की और रेपुटेज एम्पायर प्रॉपर्टीज को खुशामदीद कहा। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमराह उमर फजल, सिटी 42, लाहौर।